वक्त अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, देश के स्वास्थ्य बुलेटिन को लेकर सीधे रुख कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो अब हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में मौजूद हैं। आज कल की तारीख में हमारी 681 लैब्स अप्रूव थी, फंक्शनल थी, जिसमें से गवर्नमेंट सेक्टर में 476 लैब्स काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में 205 लैब्स काम कर रही हैं। और हमारी जो टेस्टिंग एंड ऑफ मार्च में जो हमारी 20,000 to 25,000 सैंपल्स पर डे थी, आज हम लोग का जो टेस्टिंग नंबर है वो 1,20,000 ऑन एन एवरेज वी आर टेस्टिंग एवरी डे। और टेस्टिंग कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए हम लोगों ने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। ट्रूनेट का जो प्लेटफॉर्म है जो टीबी टेस्टिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल लैब्स में भी यूज़ होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी यूज़ होता है, हम लोगों ने उसके स्क्रीनिंग टेस्ट को पहले वैलिडेट किया और उसको शुरू किया, और उसके बाद अब हमने उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट को भी वैलिडेट किया है। तो ट्रूनेट अपने आप में एक कन्फर्मेटरी प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में कोविड टेस्टिंग के लिए। एंड सिंस इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे भी है, इसलिए टेस्टिंग की जो आउटरीच है वो बढ़ गई है। और इस प्लेटफॉर्म का ये भी एडवांटेज है कि इसमें जो स्पेशलाइज्ड बायोसेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी नहीं है, क्योंकि उसका बफर ऐसा होता है कि उसमें वायरस मर जाता है, तो उसकी हैंडलिंग कंसर्न्स बहुत कम है। फिर जीन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म को भी हम लोगों ने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, बिकॉज इसकी भी अवेलेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और इससे भी टेस्टिंग की आउटरीच बढ़ती है। सो और ट्रूनेट की बहुत सारी नई मशीन्स ऑर्डर हुई हैं, हम लोगों ने अभी काफ़ी सारे इंडिजिनस आरएनए एक्सट्रैक्शन किट मैन्युफैक्चरर्स, वीटीएम मैन्युफैक्चरर्स, सबकी बहुत हैंड होल्डिंग करी है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की हेल्प से। और आज की तारीख में हमारे जो इंडियन टेस्टिंग किट्स हैं, इंडियन आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, वो काफ़ी अवेलेबल हैं। 11 से 12 इंडियन वेंडर्स हैं जिनकी आरटीपीसीआर किट्स हम आज यूज़ कर रहे हैं। आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स का भी फिगर बढ़ता चला जा रहा है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। तो हमने जो शुरू में ग्लोबल क्राइसिस का फेस हम लोगों ने फेस किया था, जब कोई भी टेस्टिंग किट्स हमें नहीं मिल रही थी आसानी से, आज वी आर इन अ मच मोर कंफर्टेबल स्टेज बिकॉज ऑफ बहुत सारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स सामने आए हैं, हैंड होल्ड करा है उनको, और अब हमारी सिचुएशन बहुत ईज आउट हो गई है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है, और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ, 18 मई को वही बढ़कर 38.29%, और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए, और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं।
तो यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फेटैलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फेटैलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फेटैलिटी रेट इज़ अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बारे में जैसे कि मैं ग्राफ में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अगर दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो फेटैलिटी रेट जो पॉजिटिव केसेज आए हैं पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में फेटैलिटी रेट 6.13% है तो वह हमारे देश में एज लो एज 2.82% है। और ऐसे भी देश हैं जहाँ पर कि 19.4%, 16.2%, 14.3% इस अधिक अनुपात में भी फेटैलिटी रेट कुछ देशों में नोटिस किया गया है। इसके लिए आई वुड अगेन लाइक टू रिट्रेट कि जो हमारा एफर्ट्स रहा है कि हम कैसे टाइमली केस को आइडेंटिफाई करें और उसको क्लिनिकली मैनेजमेंट पर उसका फोकस दें, उसके तहत हमें ये फ़ायदा दिखाई दे रहा है। और साथ ही इसी फेटैलिटी को अगर हम केस फेटैलिटी पर लैक पॉपुलेशन भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारा केस फेटैलिटी पर लैक पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि पूरी दुनिया में केस फेटैलिटी पर लैक पॉपुलेशन करीब 4.9 के बराबर है, इंडिया में वह 0.41% है। और जैसे कि इस ग्राफ के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ऐसे भी देश है जहाँ पर 31.4, 34.6, 42 और एज हाई एज 82 लैक केसेस पर लैक पॉपुलेशन केस फेटैलिटी भी नोटिस किया गया है। आज एक और मुख्य विषय हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम देखें हम अपना जो हमारे यहाँ डेथ रिपोर्ट हुई है उसको एज प्रोफाइल से एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहाँ हमारा 60-74 ईयर्स का जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन का वह अगर 8% है तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो कंफर्म पाए गए वहाँ पर 38% डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से अबव 75 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है वहाँ पर 12% जो है डेथ रेट उसको नोट किया गया है जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी 10% पॉपुलेशन हैज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ। और इससे हमारे सामने एक और दूसरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, इस टाइप के केसेस में 73% जो कन्फर्म केसेस हैं उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज़ पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेज। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं, वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए चाहे वह हर्बल टी हो चाहे काढ़ा हो उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें, यह बहुत ज़रूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, ज़रूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपनी मेडिकल एडवाइस लेते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। जैसे एक स्थान पर हमारे केसेस का नंबर बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग टू चेक कि हम कहीं कोविड 19 पेशेंट के आसपास तो नहीं है। साथ ही इट ऑल्सो हेल्प्स अस थ्रू आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कि हम अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुख्य है कि हम अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करते रहें और हमें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे जिसमें कि हमारे को
कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो तो हम उसके लिए मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयारी करें। जरूरी है कि जब आज अपने आप को बचाने के लिए हम अपने एल्डरली पॉपुलेशन को मॉर्बिड पॉपुलेशन को उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अधिकतम घर पर रहें, तो जरूरी है कि घर पर रहकर वो कैसे प्रोडक्टिव रहें, उस समय को कैसे यूटिलाइज करें। तो फिट रहने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वह योगा का इस्तेमाल करें, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए किताबें पढ़ें। जरूरी है कि ये टाइम इस्तेमाल किया जाए कि हम कैसे अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड करें, कैसे हम इंडोर हॉबीज डेवलप करें, और कैसे हम अगर घर पर भी रहें तो हम अपने नियर डियर्स के को सोशल मीडिया और थ्रू टेक्नोलॉजी हम उनसे कैसे आसपास रहें। आज जरूरी है कि जब एक स्थाई पर जो हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशन है तो दूसरे स्थाई पर जो घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं वह भी किसी न किसी तरह से रिस्क का पात्र हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वह जरूरी हर तरह से हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, उस पर ध्यान रखें अपने।